सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। छठी कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14, रेखा ए बी को 5 समान भागों में बांटो। तो हमने क्या करना है, रेखा को 5 समान भागों में बांटने के लिए हमने सबसे पहले एक रेखा लेनी है। ये मैं एक रेखा ले लेता हूँ, ये रेखा मैंने ले ली है ए और बी। तो यहाँ से आपने ए पॉइंट आपका है, ये आपका बी पॉइंट है। यहाँ से आपने एक न्यून कोण लेना है, वो कितना भी हो सकता है, न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम हो, आपने इस तरह से न्यून कोण लेना है। डॉटेड लाइन आपने लगानी है और आपने इस रेखा को, जो ई रेखा आपकी आ रही है, इस रेखा को बराबर 5 भागों में बांट देना है। जैसे आपने प्रकार खोल रखी है तो आप 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से आप इसके ऊपर चापे लगा सकते हैं। नाम लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5। और आपने क्या करना है, जहां पे ये 5 है इसको आपने B के साथ मिला देना है, इस तरह ये भी आपने डॉटेड मिला। वो आपने इसी के समानांतर रेखा खींचनी है 4। फिर आपने खींचनी है 3। फिर 2 से इसी के समानांतर रेखा 1। तो इस तरह से ये आपने रेखा के बराबर 5 भाग कर दिए हैं। अब देख सकते हैं ये 1, 2, 3, 4 और 5 भाग रेखा के बराबर जो है वो हो गए। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, ए बी रेखा को 2:3 में बांटो। 2:3 का मतलब है 2:3, 2 + 3 = 5। तो हमने ए बी रेखा को 5 समान भागों में बांटना है। सबसे पहले हम एक ए बी रेखा ले लेते हैं, ए और बी, और यहां से हम एक न्यून कोण ले लेते हैं, जैसे हमने पहले लिया था प्रश्न नंबर 14 में, वैसे ही हम यहाँ पे एक न्यून कोण ले लेंगे और इसके हमने बराबर 5 भाग करने हैं न्यून कोण के। 1, 2, 3, 4 और 5। ये लाइन हमारी थोड़ी छोटी रह गई है तो मैं इस लाइन को आगे बढ़ा लेता हूँ, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने क्या करना है, 5 को B के साथ मिला देना है। हमने मिला दिया है, हमारे पास है 2:3, तो ये आपका 2 है और आगे के 3 है। हमने क्या करना है, ये भी, ये जो आपका 5 और B है, इतनी प्रकार खोल के हमने आगे इस तरह से लाइन ले जानी है। या हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक सेट स्क्वायर जैसे ये है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, हमने यहाँ पे एक सेट स्क्वायर जैसे ये यहाँ लगा दिया है, ठीक है, इसको हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से, ये एडजस्ट कर लिया। अब ये हिलेगा नहीं, हमारी लाइन ऊपर नीचे नहीं जाएगी, और ये 2 तक आ गई है। यहाँ पे हम इसको 2 से डॉटेड ऐसे मिला देंगे, ये इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम नाम दे देंगे इसका सी, ये 2 भाग आ गए, ये 3 भाग आ गए। ये है प्रश्न नंबर 15।
तीनों हम कर देते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 16। ए बी रेखा को 1:2:3 के अनुपात में बांटो। तो 1:2:3, तो 1, 2, 3, 3, 6। तो आपने क्या करना है, ए बी रेखा को 6 बराबर भागों में बांटना है। तो इसमें भी हम सबसे पहले ए बी रेखा ले लेंगे। ये हमने ए बी रेखा ले ली, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, और हमने यहां से न्यून कोण बनाना है। और हमने इस रेखा के बराबर 6 भाग करने हैं। चार, पांच और एक, 6 हमने कर दिए हैं, जो आपका 6 है। नाम लिख लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। 6 को हमने B के साथ मिला। अब हम देख सकते हैं हमारे कौन कौन से पॉइंट मिलेंगे। पहला तो एक भाग है, तो ये आपका मिलेगा। फिर दो, तो 1, 2, फिर कौन सा मिलेगा, 3, फिर 1, 2, 3 बच जाएगा। तो 1, 3 और 6 हमने मिलाने हैं। हम कैसे इसको मिलाएंगे, हम यहाँ पे एक सेट स्क्वायर हम ऐसे इधर को रख लेते हैं और दूसरा सेट स्क्वायर हम इस लाइन के साथ लगा देते हैं, इस तरह से। दोनों लाइनों के साथ हम सेट स्क्वायर लगा देंगे इस तरह से, और हमने इसको इसी के समानांतर आगे, चलो एक तक ही ले जाते हैं, पहले शुरू से शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा आ गया एक, यहाँ पे एक आ गया, और हमने सबसे पहले एक पे मिलाना है। ये हमने मिला दिया है, और इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे डी। ये आपका पहला भाग आ गया। अब हमारा दूसरा है दो, तो 1, 2, तो 3 पे हमारा दूसरी रेखा मिलनी है। ये हमने यहाँ लगा दी है सेट स्क्वायर अपना, और ये सेट स्क्वायर हम जो है वो इस लाइन के साथ ऐसे यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे, 3 तक लेके जाएंगे आगे। हमने यहाँ पे इसको 3 के साथ मिला देना है, ऐसे हमने यहाँ मिला दिया। इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे सी। तो 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, और ये प्रश्न नंबर आपका है 16। और ये हमारे अनुपात वाले 3 प्रश्न थे, ये हमारे कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में मैं आपको कोणों के बारे में बताऊंगा, तो आपने कोणों को अच्छे से याद कर लेना है, कोणों की जितनी भी डेफिनेशंस है।